वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कैफ 7 कंपनी लॉ के सब्जेक्ट से रिलेटेड सिलेबस गाइडेंस को डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस जो है वो 5 एरियाज में डिवाइड हुआ हुआ है, इनकॉर्पोरेशन एंड इशुएंस ऑफ शेयर, जो कि रफली चैप्टर 1, 2, 5 एंड 6 चार चैप्टर्स से हम कवर करेंगे। इसमें जो इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड चैप्टर 1 एंड 2 है, ये टेस्टिंग लेवल 2 के हैं, यानी 20 मार्क्स तक एग्जामिन हो सकते हैं, और चैप्टर 5 और 6 8 मार्क्स तक के, जो कि थोड़ा कम है, 2 चैप्टर्स हैं और जस्ट 8 मार्क्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की। इसमें मॉर्गेजेस एंड चार्जेस चैप्टर 7 है और ये एक चैप्टर ही 20 मार्क्स तक का एग्जामिन हो सकता है। वैसे इतना ज़्यादा अमूमन एग्जामिन नहीं होता, लेकिन 8, 10, 12 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, 7, 8 का तो आ जाता है अक्सर। फिर इन्वेस्टमेंट डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, ये चैप्टर 10 है, इसमें पार्शल चैप्टर 11 भी कुछ शामिल है। चैप्टर 11 आप नोटिस करेंगे कि थोड़ा सा अकाउंट्स एंड डिविडेंड के अंदर भी शामिल है, बल्कि ज़्यादा अकाउंट्स एंड डिविडेंड में, कुछ पोर्शन उसका यहाँ पर मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल है, तो ये भी 20 मार्क्स तक का एग्जामिन हो सकता है। और बाकी सारे टॉपिक ही 20 मार्क्स तक के एग्जामिन हो सकते हैं, सिर्फ जो शेयर्स हैं वो 8 टेस्टिंग लेवल 1 पे रखे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास थर्ड है मीटिंग प्रोसीडिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हैं वो इस एरिया से एग्जामिन होते हैं, जिसमें चैप्टर 8, 3 एंड 4 इन्वॉल्व होता है। और उसके बाद अकाउंट्स एंड डिविडेंड, ये भी काफ़ी अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन, ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जब कंपनी लॉ एग्जामिन किया जा रहा है तो उसमें अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन कॉमन है, तो इसमें चैप्टर 11 का कुछ पोर्शन है और चैप्टर 9 डिविडेंड से रिलेटेड है, वो कवर किया जाता है। और फिर वाइंडिंग अप का चैप्टर है 12। अच्छा, और अब यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप नोटिस करें तो वाइंडिंग अप की वेटेज ग्रेड जो है वो 15-20 मार्क्स है, यानी ये एक चैप्टर कम अज कम 15 नंबर के क्वेश्चंस तो इस एक चैप्टर से आएंगे। तो जब आप इस एक चैप्टर को प्रॉपरली कवर करते हैं, चैप्टर 12 को, तो 15-20 मार्क्स का आपका पेपर गारंटीड कवर हो जाता है। बाकी के अंदर देखें, ये हो सकता है कि वो वेटेज ग्रेड के हिसाब से ऊपर नीचे किसी और चैप्टर में को फोकस कर लें। तो सबसे ज़्यादा जो हमें नज़र आएगा वो चैप्टर 2 और चैप्टर 12 और 8, 3 एंड 4। यानी ये 5 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे काफ़ी ज़्यादा पेपर जो है वो एग्जामिन हो रहा होता है। अच्छा, अब इस पे हम अगर नोटिस करें तो प्रोफेशिएंसी लेवल सब पर P2 है। तो P2 प्रोफेशिएंसी लेवल का मतलब बेसिकली क्या है कि जो हमारे लर्निंग आउटकम होंगे वो इंटरमीडिएट लेवल पर होंगे और कम्प्लेक्सिटी जो होगी क्वेश्चंस की वो मॉडरेट लेवल पर होगी। जो PRC स्टेज होती है या बिल्कुल बेसिक लेवल पर जो टॉपिक डिस्कस होने होते हैं उनमें लेवल P1 होता है। तो P2 का मतलब है मॉडरेट लेवल की एम्बिग्विटी, कम्प्लेक्सिटी एंड अनसर्टेनिटी। इसके बाद अगर हम वेटेज ग्रिड की बात करें तो जब आप चैप्टर 1, 2, 5 एंड 6 कवर करते हैं तो 15-20 नंबर का पेपर यहाँ से हमारा कवर हो रहा होता है। फिर चैप्टर 7, 10 और 11 से 20-25, फिर 8, 3 एंड 4 पे ज़्यादा ग्रेड है 20-30, और फिर अकाउंट्स एंड डिविडेंड 15-20 और वाइंडिंग अप अकेला ही 15-20 का एग्जामिन हो रहा होता है। तो जब हम पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं इंपॉर्टेंस वाइज, तो सिलेबस के अंदर ही सारी इंपॉर्टेंस मेंशन है, इसको हमें जहन में रखना चाहिए और इसको ध्यान में रखते हुए ही अपने पेपर की प्रिपरेशन करनी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।